हेलो क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल फिल्मी फैन फिक्शन। और आज मैं आप सबके पास हमारे शेमलेस वाइफ का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था हमारे वेन चिंग ने हमारे वांग जी को एक फीमेल ओमेगा बनाकर वेन किंगडम में ला चुका था, जहाँ किसी ने भी उन लोगों को नहीं रोका, क्योंकि तीनों की तीनों सुंदर ओमेगाओं को कौन ही भला रोकेगा। हमारा बेचारा वांग जी वेन के लिए सब कुछ सह रहा था। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे, पर हाँ, उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और हाँ, ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना। और मैं आप सबसे बातें करना बहुत पसंद करती हूँ, तो एक कमेंट ज़रूर कर देना। ओके, तो अब फाइनली बढ़ ही जाते हैं आगे। हमारा वांग जी वहाँ से चलते हुए जा रहा था, अचानक से ही एक वन सिपाही कहता है, ए रुको। हमारा वांग जी, वेन चिंग और वेन निंग तीनों रुकते हैं। वह वेन सिपाही हमारे वांग जी के पास आता है और कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? वांग जी अपनी आवाज़ को हल्का करके ओमेगाओं की तरह नज़ाकत से कहता है कि उसका नाम शेनचिरी है। शेनचिरी, ये प्यारा सा नाम सुनकर वह अल्फा कहता है, तुम्हारी ही तरह तुम्हारा नाम भी बहुत प्यारा है, वैसे किससे मिलने आए हो? वांग जी कुछ कह नहीं पा रहा था। वेन चिंग सामने आती है और कहती है, हमें यहाँ राजकुमार के लिए बुलाया गया है। राजकुमार का नाम सुनकर वो सिपाही थोड़ा सा डर गया था और फिर पूछता है, कौन से राजकुमार के लिए आए हो? राजकुमार वेन चाओ या राजकुमार वेन शू या राजकुमार वेन जूलियो? हम राजकुमार वेन जूलियो के लिए आए हैं। ओह अच्छा, ठीक है, चलो मैं तुम लोगों को ओमेगा शील्ड तक ले चलता हूँ। वैसे आज वहाँ पर एक और सुंदर ओमेगा आया है, एक झलक देखते ही मेरा तो दिल ही डोल गया। वांग जी को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सिपाही अभी भी बकबक कर रहा था। वो कह रहा था कि आह, अगर उस ओमेगा की एक और झलक देखने को मिल जाए ना, तो ज़िंदगी बन जाए। उस ओमेगा की बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी आँखें थी, एकदम रसीले होठ, इस तरह की और भी गंदी गंदी बातें कर रहा था। सबको समझ में आ रहा था कि ज़रूर ये सिपाही विंग के बारे में ही कह रहा है। वांग जी कुछ कहने ही वाला था कि हमारी वेन चिंग वांग जी का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, वांग जी शांत रहो। वांग जी बिल्कुल शांत हो जाता है और फिर वो सिपाही उन तीनों को ओमेगा शील्ड तक लेकर आता है महल के अंदर। लेकिन हमारी वेन चिंग ने तो प्लान किया था कि वो लोग सीधा तहखाने में पहुंचेंगे उसके घर के ज़रिए। बीच में ये सिपाही आ टपका, अब क्या करे? महल के अंदर इतने लोगों के बीच में से विंग को लेने कैसे जाए? हमारे क्यूटीज तो अब बुरे फंसे, पर फिर भी अब वक्त के साथ साथ ही चलना होगा। जैसे ही मौका मिले विंग को लेकर यहाँ से जाना होगा। ठीक है, अब तुम लोग शांत रहो, ज़्यादा डरो मत। हमारा वेनिंग कहता है, डरो मत मतलब क्या? हम लोगों ने प्लान तो कुछ और किया था ना, पर हो कुछ और ही रहा है। वेंचिंग कहती है, शांत रहो वेनिंग। वेनिंग शांत होता है। उतने में ही एक और सिपाही आता है और कहता है, चलो तुम लोगों को छोटे राजकुमार के कमरे तक ले चलता हूँ, वैसे पहले कौन जाना चाहेगा? हमारी वेंचिंग कहती है, पहले मैं जाना चाहूँगी कि मैं राजकुमार से मिलने के लिए बेकरार हूँ। वो सिपाही स्माइल करके कहता है, एक खूबसूरत ओमेगा इतनी बेचैन है, चलो मैं तुम्हें और इंतज़ार नहीं कराऊँगा। हमारी वेंचिंग चलने लगती है, उसने खूबसूरत सा वेल डाल लिया था अपने सर पर। हमारी वेंचिंग थोड़ी सी डर रही थी, कज़िन ब्रदर है, अच्छे से वो जानती है कि ये कितना बड़ा वाला कमीना है। दूसरी ओर हमारे वांग जी की नज़रें चारों तरफ थी, बस किसी तरह एक मौका मिल जाए तो हमारा वांग जी फौरन जाएगा विंग के पास। दूसरी ओर हमारी वेंचिंग दरवाजे के सामने पहुंच चुकी थी। अंदर से आवाज़ आती है, उसे अंदर ले आओ। हमारी वेंचिंग अंदर जाती है और जो नज़ारा उसने देखा, फौरन आके फेर लिया, क्योंकि वेन जूलियो इस वक्त काफ़ी सारे ओमेगाओं के साथ था। वो लोगों ने लगभग कपड़े पहने ही नहीं थे और जितना पहना था वो ना के बराबर है। वेंचिंग बहुत मुश्किल से आगे बढ़ती है। वेन जूलियो कहता है, एक सुंदर ओमेगा लड़की, तुम्हें पहले कभी नहीं देखा? मैं मो कबीले से आई हूँ, आपकी खिदमत में मुझे पेश किया गया है। ओह अच्छा, तो मो कबीले वालों ने अब खजाने के बदले तुम्हें भेजा है, चलो पसंद आया, सामने आओ। कहे वैसे तुम बहुत सुंदर लग रही हो, सामने आओ, मेरे सामने बैठो। वेंचिंग वैसा ही करती है।
वैन जूलियो कहता है, वैसे अच्छा ही है, अगर मो कबीले में इतने सुंदर सुंदर ओमेगा हैं तो आज के बाद तो इन लोगों से मैं लगान लूंगा ही नहीं। वेंचिंग को ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, पर फिर भी वेंचिंग खुद को शांत करती है और कहती है, अगर आपको मेरे साथ रुकना है तो पहले इन ओमेगाओं को यहाँ से भगाइए। वह तुम मुझे हुक्म दे रही हो, पसंद आया, तुम्हारी अदाएं मुझे बहुत पसंद आया। वेंचिंग कहती है, हाँ बिल्कुल, मैं भी आपको बहुत पसंद आऊँगी, पहले इन सबको भगाइए क्योंकि मैं अपने कपड़े किसी और के सामने नहीं उतारने वाली। बहुत खूब, तुम मुझे बहुत पसंद आई। फिर वेंजुलियो सबको भगा देता है और फिर हमारी वेंचिंग जाकर उसके पास बैठती है और जैसे ही दोनों का फेस करीब आने वाला था, हमारी वेंचिंग ने एक निडल निकाला और उसके गर्दन पर हिट कर दिया, फौरन बेहोश होकर गिर पड़ा। हमारी वेंचिंग एक तिरछी स्माइल करके कहती है, बचपन का बदला पूरा हुआ। दूसरी ओर हमारा वांगजी वो इधर उधर देख रहा था, कहीं पर कुछ तो हो जिससे उसे विंग का हिंट मिल सके। वो कमरे से बाहर निकल आया था, वेनिंग भी उसके पीछे पीछे ही आया था। वेनिंग पूछता है, राजकुमार आप क्या ढूंढ रहे हैं? हमारा वांगजी कहता है, मैं ढूंढ रहा हूँ विंग का सुराग, कहीं पर तो पता चल जाए कि विंग इस वक्त कहाँ है। मुझे बस उसके पास जाना है और ये पानी उसके ऊपर छिड़कना है। वेनिंग कहता है, इसका एक उपाय है, क्यों ना हम किसी सिपाही से बात उगलवाने की कोशिश करें। वांगजी कहता है, क्या तुम ऐसा कर पाओगे? वेनिंग कहता है, कोशिश करूँगा, वैसे बहुत अजीब लग रहा है पर क्या कर सकते हैं। हमारा वांगजी कहता है, तो ठीक है तुम बात करने की कोशिश करो। वेनिंग कहता है, बात क्या, फ्लर्ट करना पड़ेगा। हमारा वेनिंग थोड़ा दूर जाता है और पास में एक सिपाही खड़ा था, उसके थोड़ा करीब जाकर सिद्ध्यूसिव आवाज़ में कहता है, क्या तुम बता सकते हो यहाँ पर ओमेगा शील्ड कहाँ है? तुम इस वक्त ओमेगा शील्ड में ही हो सुंदर ओमेगा। वेनिंग उस सिपाही के थोड़ा और करीब जाता है और कहता है, वैसे क्या तुम राजकुमार हो? नहीं, मैं तो साधारण सिपाही हूँ, पर तुम दिखने में बिल्कुल एक राजकुमार जैसे हो। वो सिपाही तो थोड़ा और तन कर खड़ा हो गया। एक ओमेगा अगर फ्लर्ट करे तो अल्फा की हालत तो खराब हो नहीं है। वो सिपाही कहता है, तुम मेरी बहुत तारीफ कर रहे हो, मैं इतनी तारीफ के काबिल नहीं। वेनिंग कहता है, ऐसा नहीं है, तुम बहुत सुंदर हो और मुझे सुंदर लोग बहुत पसंद हैं। हमारा वांगजी दूर से ये सब सुन रहा था, उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वेनिंग भी ऐसा कर सकता है, उसका तो दिमाग ही चकरा रहा था। हमारा वांगजी एक ऑकवर्ड सा स्माइल करता है और कहता है, लगता है वेनिंग की भी शादी की उम्र हो गई, पर एक एल्फा होकर वो इस तरह की हरकतें कर कैसे पा रहा है, मैं उसकी तरह कभी नहीं कर पाऊँगा। अरे बाप रे, अब बातों ही बातों में उस अल्फा को बहुत ही ज़्यादा फ्लटर करने के बाद वेनिंग पूछता है, वैसे एक नया ओमेगा आया है ना जिसे लैन कबीले से लाया गया है? हाँ, तुम उस ओमेगा की बात कर रहे हो ना जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और इस वक्त बड़े राजकुमार के वश में है? हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, वैसे सुना है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। हाँ बिल्कुल, परियों की दुनिया का राजकुमार, बहुत ही सुंदर है वो, मैंने उसकी एक झलक देखी थी, दिल मचल गया। हमारा वेनिंग हल्का सा ड्रामा करते हुए कहता है, क्या वो मुझसे भी ज़्यादा सुंदर है? वो अल्फा थोड़ा सा झिझक कर कहता है, नहीं नहीं, तुमसे ज़्यादा सुंदर नहीं। हमारा वेनिंग थोड़ा और ड्रामा करके कहता है, नहीं, अब मुझे तुम्हारी बात पर कोई विश्वास नहीं, चलो मुझे दिखाओ वो कहाँ है, मैं उसे देख कर खुद ही पता लगाऊँगा कि वो ज़्यादा सुंदर है या मैं। हमारा वांगजी तो मन ही मन कहता है, शाबाश वेनिंग, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने कर दिखाया। वो अल्फा गार्ड कहता है, हाँ बिल्कुल, चलो तुम खुद ही देख लो, वैसे वो सच में बहुत सुंदर है पर तुमसे ज़्यादा नहीं, चलो मेरी नज़रों में तुम सबसे ज़्यादा खूबसूरत हो। हमारा वेनिंग एक अजीब सा स्माइल करता है और उस अल्फा के पीछे पीछे चलता है, हमारा वांगजी भी उनका पीछा ही कर रहा था। और फिर ओमेगा शील्ड के सबसे बड़े कमरे में जहाँ पर हमारा विंग था, उन दोनों को वहाँ पर ले आया वो सिपाही।
हमारा विंग बिल्कुल एक बेजान पुतले की तरह बैठा हुआ था और उसके दोनों स्पिरिचुअल वेपन उसके इर्द गिर्द घूम रहे थे। शायद वो दोनों विंग को जगाने की कोशिश कर रहे थे, पर विंग बिल्कुल एक स्टैचू की तरह ही बैठा था। वो ना हिल रहा था ना कुछ बोल रहा था, यहाँ तक कि उसने तो अपनी पलकें भी नहीं झपकाई। वो सिपाही वहाँ से थोड़ी देर के लिए चला जाता है क्योंकि उसे किसी ने बुलाया था। हमारा वेनिंग और वांगजी अंदर आता है। वांगजी बिना देर किए फौरन वो पानी निकालता है और विंग के ऊपर छिड़क देता है। कुछ ही देर में हमारे विंग को होश आ गया, वो सम्मोहन टूट चुका था। वांगजी कहता है, विंग तुम ठीक तो हो ना? विंग वांगजी को देखकर पहले तो थोड़ी देर देखता ही रह गया और फिर पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगा। वांगजी को लगा था कि विंग अब उसे बचाने की वजह से खुश हो जाएगा और उसे हग करके किस करने लगेगा, लेकिन विंग तो अपना पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगा था वांगजी को देखकर। वांगजी कहता है, विंग हंसना बंद करो। वांगजी तुम ओमेगा बनकर आए हो मुझसे मिलने। की हंसी काफ़ी लाउड हो रही थी। हमारा वेनिंग जल्दी से जाता है और विंग का मुंह पकड़ लेता है। विंग की बड़ी बड़ी आंखें अब और ज़्यादा बड़ी बड़ी हो गई थी और वांगजी कहता है, वेनिंग तुमने सही किया, इसका मुंह बंद ही होना चाहिए। हमारा विंग वेनिंग के हाथ पे एक बाइट कर देता है। वेनिंग थोड़ा दूर जाता है और विंग गुस्से में उसकी तरफ देखकर कहता है, एक छोटे बच्चे की इतनी हिम्मत, तुमने मेरा मुंह पकड़ा, रुको तुम्हें मैं अभी पनिश करता हूँ। इससे पहले कि विंग वेनिंग की तरफ बढ़ता, हमारा वांगजी विंग का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने करीब खींच लेता है। और फिर जब हमारे विंग की नज़रें दोबारा से वांगजी के ऊपर गई और उसके पर और उसके होठों पे लगे हुए उस लाल रंग की तरफ गया, हमारा विंग दोबारा से हंसने लगा और इस बार वांगजी का इतना गुस्सा आया कि उसने फौरन विंग को किस कर दिया। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय क्यूटीज, बाय बाय बाय।